राजनारायण सिंह जी के द्वारा एक हाई कोर्ट में रीट पड़ी, उनको चुनाव हरवा दिया गया था। इंदिरा जी चुनाव हार गई थी तो राजनारायण जी के तरफ से एक रीट पड़ी। हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि 6 साल तक स्वर्गीय इंदिरा गांधी को चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई और राजनाथ जी को फैसला हुआ कि ये चुनाव जीते हुए हैं। तो उस फैसले के खिलाफ इंदिरा गांधी जी चली गई सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट से राहत सिर्फ इतनी मिली कि वो प्रधानमंत्री बनी रहेंगी और विचार इस पे होगा। उसी के जस्ट बाद, एक दो दिन के बाद 25 जून को जो घटना घटी, तो 25 जून को पूरे देश में इमरजेंसी लगाई गई उसी मामले को लेकर, और लाखों लोगों को संविधान से हट करके और जेल में डाल दिया गया। तो जहां संविधान की अवहेलना करके और लाखों लोगों को जेल में डाला गया हो तो वो तो संविधान की हत्या हुई ना। ऐसी परिस्थिति में जो निर्णय माननीय अमित शाह जी ने लिया है संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाने का, उनका फैसला सही है। सर, वही कांग्रेस का कहना है कि हत्या दिवस मनाएंगे, वही कांग्रेस ने कहा है कि हम 4 जून को मोदी मुक्त दिवस मनाएंगे। कांग्रेस स्वतंत्र है, कांग्रेस ने ही किया है, कांग्रेस के नेता ने किया है, कोई दूसरा तो किया नहीं है। जग जाहिर है, पूरा देश जानता है उस घटना को, तो उनके कहने से तो कोई मानेगा नहीं। जो उन्होंने किया है उसको सब लोग मानेंगे। सर, यूपी के जो गैर मान्यता प्राप्त हैं मुस्लिम छात्राओं को, ये खबर चल रही है कि अब सरकार उनको सरकारी विद्यालयों में दाखिला करवाएगी। अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है, न्यायालय में अगले हफ्ते संभवतः तारीख पड़ी हुई है, और जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता है तो कुछ हमारे चैनल के साथी हैं ओवर चलाते हैं, ये अग्रिम खबर चलाने लगते हैं। फैसला अभी आना है एक हफ्ते बाद, तो इनके यहाँ फैसले लिख दिए जाते हैं कि नहीं ये फैसला हो गया, तो न्यायालय का फैसला आने तक हमको आपको इंतजार करना पड़ेगा। जो फैसला आएगा उसको सबको मानना पड़ेगा। सर, अभी एक वीडियो जारी करके ये कहा है कि अभी उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति ठीक नहीं है। उनका कहना है कि अगर हालात ऐसे रहे तो 2027 में यूपी भाजपा सरकार नहीं बन पाएगी, केंद्र नेतृत्व को चाहिए कि बड़े फैसले लें। उनका व्यक्तिगत सुझाव है, उनको पार्टी फोरम पर जाकर के लिख के देना चाहिए था। वो मिलते मुख्यमंत्री से मिलके बताते, वो दिल्ली अपना जाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भाजपा के मिलते, प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी के उनसे मिलते, उनसे मिलके बताना चाहिए। और उनके जो बयान है वो व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का कोई और सरकार का कोई बयान नहीं। भाजपा के पूर्व मंत्री वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे हैं कि 42 साल की राजनीति में मैंने इतना भ्रष्टाचार थानों और तहसीलों में देखा ही। अब वो उनका बयान है, अगर देश में भ्रष्टाचार होता तो फिर पुनः तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते, दूसरी बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं बनते। जनता ने जनादेश दिया है तब न बन रहे हैं लोग। तो ये उनके बयान हैं, अपने खुद के बयान हैं, किसी चीज को लेकर पीड़ित होंगे। हमारी पार्टी अभी से, हम लोग चुनाव मैदान में हमेशा 24 घंटे हम लोग चुनाव मैदान में रहते हैं, और पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर के हम लोग ग्रास रूट पर अपने संगठन को ठीक करने में लग गए हैं। अब तक लगभग हमको अंदाज है कि 2 दर्जन से ज़्यादा मीटिंगें हम लोग कर चुके, और पर डे मीटिंग हो रही है उस चुनाव की तैयारी को लेकर।